आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप बिना इंटरनेट के किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर वो वाला चाहिए होगा जिससे आपको पैसे भेजने हैं, और वो इस फ़ोन के अंदर होना चाहिए। और ये ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा तब भी काम करती है जब आपके पास इंटरनेट ना हो, या आपके पास अगर स्मार्टफोन ना भी हो तो आप फीचर फोन से भी पैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको USSD कॉल लगानी पड़ेगी, जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको जाना होगा कॉल लॉग में, और यहाँ पे जाते ही आपको एक नंबर डायल करना होगा *99#। और ये मैं जिस नंबर से मेरा फ़ोन रजिस्टर्ड है मेरे अकाउंट पे, वो वाले नंबर से मैं इसको कॉल कर दूँगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी कह रहा है वेलकम टू भीम UPI, एंटर योर बैंक नेम। मैं अपना बैंक का नेम एंटर कर देता हूँ इसमें। योर UPI पिन इज सेट। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने UPI पिन पहले से सेट करके रखा है। अगर आपका UPI पिन सेट नहीं है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपना UPI पिन। उसके लिए आपको OTP आएगा इसी नंबर पे, और आपको एक पिन बनाने के लिए दिया जाएगा। ये मैंने पहले कर चुका हूँ, अब मैं आपको आगे बताऊँगा। अब ये मेरा अकाउंट नंबर बता रहा है, और ये एंटर UPI पिन, मैं अपना पिन डाल देता हूँ उसमें। अब मैंने पिन डालने के बाद ये ऑप्शन खुले, तो पहला ऑप्शन है सेंड मनी, दूसरा रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन एंड UPI पिन। तो मैं सेंड मनी पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मेरे को किसी को सपोज पैसे सेंड करना है, अब ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर पे सेंड करने हैं, UPI ID पे, या सेव बेनिफिशियरी। सेव्ड बेनिफिशियरी वो होता है जो पहले से ही आपने सेलेक्ट करके रखा है, पहले से ही आपने किसी को ट्रांजेक्शन करा इस यहाँ से। तो मैंने अभी तक किसी को ट्रांजेक्शन नहीं कराया है, तो मैं UPI ID का। तो दोस्तों IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये डाल के आप यहाँ से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन अगर ना भी हो तो भी आप पैसे भेज सकते हैं, और अगर आपके पास स्मार्टफोन ना हो एट ए टाइम, तो उस टाइम पे आप फीचर फ़ोन के साथ भी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।